अभी आप क्या देख रहे हैं? आपको मैं नजर आ रहा हूं, बट आपको मेरे पीछे क्या नजर आ रहा है? यू माइट सी अ फिश. आपको एक मछली तैरती हुई शायद नजर आ रही हो. आपको शायद बाइसिकल पे एक राइडर नजर आ रहा हो, या आपको कुछ पहाड़ों का एक इमेज नजर आ रहा हो. दिस इज माय बैकग्राउंड, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट. हमारी लाइफ में ये लव्स बैकग्राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है. जब भी हम किसी जॉब पे अप्लाई करने जाते हैं तो हमारा बैकग्राउंड चेक होता है, या हमारे बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है. इसी तरह अगर किसी और चीज़ पे आप अप्लाई करें या कोई और चीज़ करें, ऑलवेज बैकग्राउंड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका जो पास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वेबसाइट के टर्म्स में बैकग्राउंड क्या होता है? वेबसाइट की टर्म्स में बैकग्राउंड इज द बैक लेयर ऑफ योर डिज़ाइन. आपकी वेबसाइट का वो हिस्सा जो कि बज़ाहिर तो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इट प्लेज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रोल. डू नॉट कन्फ्यूज बैक एंड विद बैकग्राउंड. बैक एंड इज द एडमिन पैनल ऑफ योर वेबसाइट, वो एरिया जिधर से आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड को मैनेज करते हैं. बैकग्राउंड इज मोर विजुअल. सो आप अपनी वेबसाइट जब खोलते हैं तो अगर आपको कोई कलर नजर आ रहा है, कोई इमेज नजर आ रहा है जो एक ओवरले के तौर पे पीछे छुपा हुआ है, दैट्स द बैकग्राउंड ऑफ योर वेबसाइट. याद रखिएगा कि द बैकग्राउंड मेन्यू ऑप्शन इज अनदर थीम स्पेसिफिक ऑप्शन. ये ऑप्शन हो सकता है आपको नजर आए, ये ऑप्शन हो सकता है आपको ना नजर आए. हो सकता है कि ये ऑप्शन जब आपको नजर आए तो ये सिर्फ आपको कलर्स चेंज करने की ऑप्शन दे. ये भी हो सकता है कि जब ऑप्शन ये आपको नजर आए तो इट ओनली गिव्स यू द ऑप्शन टू शेयर और शो इमेजेस. थीम पे डिपेंड करेगा. हमने डिस्कस किया, मैंने आपको बताया कि बेतहाशा थीम्स एग्जिस्ट करती हैं. देर आर न्यूमरस थीम्स आउट देयर. तो बेस्ड ऑन दोस थीम्स इट विल डिपेंड कि कौन सा सही बैकग्राउंड आपकी वेबसाइट के लिए सही रहेगा. क्लिकिंग द बैकग्राउंड मेन्यू ऑप्शन विल टेक यू बैक टू द बैकग्राउंड इमेज पैनल इन द कस्टमाइजर. ये सारी ऑप्शंस आप कस्टमाइजर से एक्सेस कर सकते हैं. क्या था कस्टमाइजर? इट वॉज अवेलेबल अंडर अपीयरेंस कस्टमाइजर. सो दिस इज अनदर वे टू एक्सेस द बैकग्राउंड, और इफ योर थीम अलाउज यू माइट बी एबल टू एक्सेस इट डायरेक्टली from under themes. To save your changes, wahi aap karenge, you'll just click on save and publish. And again, depending on your theme you are currently using, you may be able to change your background or not. So jaise humne discuss kiya ki background bahut zaruri hai, apna background janna bhi bahut zaruri hai, website background janna bhi bahut zaruri hai. So we will go with you live to test the background feature of WordPress. So let's go to DigiSkills.sadhamid.000 webhostapp.com and I log into my dashboard. जिस तरह मैंने आपको बताया, background option access करने के लिए you can directly go from appearance to customize, or you can click on background here. आपकी theme पे depend करेगा कि आपकी theme आपको background enable, disable, option access करने में allow करती है कि नहीं करती. So अगर मैं यहाँ पे पेरेंट्स पे जाऊँ तो मुझे एज सच बैकग्राउंड की ऑप्शन नहीं मिल रही. सो आई विल ट्राई टू गो टू कस्टमाइज एंड वहाँ मैं देखूँगा कि मुझे कोई ऑप्शन नज़र आ रही है कि नहीं आ रही. तो आप देखें, वीडियो तो मुझे नज़र आ रही है बट बैकग्राउंड एज सच मुझे नज़र नहीं आ रहा. सो आई विल ट्राई टू लुक मोर. आई लुक इनटू साइट आइडेंटिटी, आई लुक इनटू कलर्स. लाइट थीम है, डार्क थीम है, आई विल सेलेक्ट फॉर लाइट थीम. क्लिक पब्लिश. बट अगेन, जैसे मैंने आपको बताया कि इस केस में मुझे इस थीम में
बैकग्राउंड की ऑप्शन ही मुझे नहीं दे रहा. सो आई ट्राई टू डू इज आई ट्राई टू स्विच थीम. मैं एक और थीम पे जाऊंगा जो कि मुझे बैकग्राउंड की ऑप्शन देगा. सो आई ट्राई टू स्विच टू द थीम दैट आई लव. आई पर्सनली एम अ बिग फैन ऑफ दैट्स कॉल्ड 2016. एंड अब आप देख सकते हैं कि अपीयरेंस के नीचे देर इज ऑप्शन विच इज कॉल्ड बैकग्राउंड. सो आई क्लिक ऑन बैकग्राउंड. एंड जैसे ही मैंने बैकग्राउंड क्लिक किया तो ये मुझे एक बैकग्राउंड इमेज ऐड करने की ऑप्शन दे रहा है. सो आई क्लिक ऑन दैट. आई ऐड अ बैकग्राउंड इमेज जिस तरह पहले से यहाँ पे ऐड हुआ है. ये चोटी की तस्वीर मुझे बहुत अच्छी है लग रही है. सो आई क्लिक ऑन चूज इमेज. आई कैन सिलेक्ट द साइज. आई कैन सिलेक्ट द फीचर्स. मैं उसकी पोजीशन को सिलेक्ट कर सकता हूँ. और इसी तरह आई जस्ट क्लिक ऑन पब्लिश एंड दैट हाउ आई कैन चेंज माई बैकग्राउंड. आपने नोटिस किया होगा कि पहले ही मुझे कलर दिखा रहा था. सो इफ आई क्लिक ऑन रिमूव इट विल टेक मी बैक टू दैट कलर. सो एक थोड़ा सा आइडिया आपको यही देना था कि बैकग्राउंड्स क्या होते हैं, हाउ दे वर्क, वाई दे आर इम्पॉर्टेंट एंड हाउ द राइट बैकग्राउंड कैन हेल्प योर साइट लुक रियली रियली गुड. तो बैकग्राउंड्स को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा. बैकग्राउंड के इमेजेस प्लीज़ गूगल से ना उठाइएगा. ट्राई टू फाइंड देम ऑन साइट्स लाइक unsplash.com ताकि आपको फ्री लाइसेंस में बैकग्राउंड्स मिले जो आप अपनी साइट पे सही तरह से यूज़ कर सकें. सो लेट्स कीप लर्निंग एंड लेट्स ट्राइंग न्यू थिंग्स विद WordPress.